बच्चे की हुई मृत्यु, परिवार ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। परिवार का आरोप, मेडिकल स्टोर वाले ने गलत टीका लगाया। अजनाला में एक मेडिकल स्टोर पर बच्चे को गलत टीका लगाने के आरोप लग रहे हैं। परिवार का आरोप है कि गलत टीका लगने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने बच्चे के शव को अजनाला के नवीन चौक पर रखकर मेडिकल स्टोर के मालिक के खिलाफ प्रदर्शन किया और परिवार वालों की मांग है कि मेडिकल स्टोर वाले के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। बच्चा ठीक नहीं, इन्हें खांसी की प्रॉब्लम ही थोड़ी जी, इस पाल मेडिकल वाले को लिया रखे स्कूल भी टू दे दे, उन्हें टीका लाता है, टीका जरा रशन कर गया, सारा शरीर जरा बेकार हो गया। बाद लियाए फिर कल लिया, कल भी दवाई देती है, दवाई खाद सारी मुंडा कमन डह पाया। तो इन्हें जवाब देता हूँ मेरे बस की गल नहीं है, अमृतसर ला जाओ। जनता अस्पताल खड़िया हेरी जाना पूरा हो गया, हेरी गाँ गया नहीं, अस्पताल गया नहीं गा। तो अभी यदि मंग रखी है भी मतलब इन्हों 302 लगनी चाहिए आ, इन्हों का जोड़ा मैडिकल वह भी सील होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अथॉरिटी नहीं है टीका लाने की, ये तो सिर्फ दवाई दे सकते हैं, तो इलाज करने इन्हों को लसेंस नहीं है। जो अगर लगनी चाहिए आ, ये बच्चा 9 साल का बच्चा जिन्होंने टीका ला के ना मारिया, तो अज वेखो साढ़े बच्चे ना, यही गल किसी ना भी हो सकती है। तो अज वेखो साडा बच्चा सड़क से लाश पई आ, अं रो रहे हैं, वो दुकाना खोल के दवाइया बेचन रहे, उन्हें तो फर्ज बनता ही। अब चल उन्होंने को टीका लगा बंदा आता बच्चा मरिया, अज की दाड़ी तो बंद कर दे, अज भी उन्होंने दुकान नहीं बंद की। ये काम किया कि साडा बच्चा मरिया, तो यही इसे रो रहे हैं, अस्पताल फिर रहे हैं, लाशा लेके रोड कल घूम रहे हैं, तो ये दवाइया बेचन रहे। साडा बच्चा बीमार है, थोड़ा खारिश करके दवाई लैन आया रसपाल मेडिकल स्टोर तो, उन्हें दवाई देने की बजाय आख्या भी मैं टीका ला दिना, उन्हें टीका लाता है, टीका रक्षण कर गया। 14 तरीक न टीका लाया, 2 दिन बाद फिर आए, फिर दवाई देती, इन्हें ट्यूब देती भी आ लो, नहीं फर्क पाया। फिर कल लै गया, कल गोली पता नहीं इन्हें केड़ी दी तो केड़ी नहीं दी, गोली के कारण साढ़े बच्चे की डैथ हो गई। अभी इंसाफ मंगते हैं, सानू इंसाफ मिलना चाहिए साढ़े बच्चे। मेरा नाम अमरजीत सिंह आ, पिंड सराय तहसील अजनाला जिला अमृतसर का रहने वाला। मैं अपने बच्चे दवाई लैन आया मेडिकल स्टोर, सरपाल मेडिकल स्टोर तो। वो कहन लगे भी, मैं भी दवाई दो बच्चे नू खारस दी, कहन लगे भी टीका ला देने, मैं चल टीका ला दो। टीका लाता तो 2-3 दिन बाद टीका वेखा तो टीका भर गया। वो फिर मैं आया कल इन्हों को, कल फिर इन्होंने खारस अपना दवाई दिती, पता नहीं कि गोली दी आ, कुछ ट्यूब देती मलन भी आ टीके तो मल ही ठीक हो जाना। वो 10 मिनट बाद गोली देने दे, 10 मिनट बाद मुंडा जोड़ा मेरा हाथ पैर एवं हिलाई जाता है, निमो झाणा हो गया, डिगन डह पाया। तो बाद मैं सोचा भी होर कि क्यों ना विखाव, फिर मैं अमनदीप को विखाया बस स्टैंड के कोल, जरा वो कहन लगा भी इन्फेक्शन हो गई है, इन्हू अमृतसर लै जा। फिर मैं इन्हू अमृतसर लै गया वा, अमृतसर जाते रस्ते के बच्चे ही दम निकल गए। वे धरना इस करके लाया भी साढ़े बच्चे इंसाफ मिले। ये जेडे मेडिकल स्टोर वाले नजायज ही टीके आ देंगे, ला लो पता नहीं टीका लाने का, तो ना लाने सानू इंसाफ मिलना चाहिए वा, जो भी कार्रवाई इन्हें बनती होनी चाहिए है। नाला थाने एक सरपाल पिंड पैंदा है, उतों का अमरजीत सिंह लड़का है, करीब 9 साल उम्र है। वो कुछ दिनों तो बीमार से, उन्हें जी स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, उसके करके वो सरपाल मेडिकल स्टोर तो जी मेडिसिन ले रहे थे, और उसके दौरान ट्रीटमेंट दौरान कोई इंजैक्शन भी उन्होंने वालों लगाया गया मेडिकल स्टोर तो जोड़े भी है डॉक्टर। इन्होंने कंप्लेंट की, वो लड़की की अच्छे डैथ हो गई है, इन्होंने कंप्लेंट की है कि जोड़ा मेडिकल स्टोर से डॉक्टर है, इन्हें गलत इंजैक्शन लाया जिस तरह मौत हो गई है। असी इन्हों 174 की जी कार्रवाई की, स्टेटमेंट लैके इन्हों जे विसरे आ बॉडी के वह भेजे हुए हैं कैमिकल एग्जामीनर को चंडीगढ़, और जो भी वो रिपोर्ट आऊगी और मुताबिक अं कार्रवाई करा। इन्हों ने धरना लगाया कि उसके खिलाफ़ जी FIR लॉज करो, बट विदाउट कैमिकल एग्जामीनर जी रिपोर्ट हैगी उस तो बगैर असी परचा दर्ज नहीं कर सकते।